महाराष्ट्र राज्य और उच्च प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से करियर कटा इस कार्यक्रम ने आंदोलन का रूप लेने पर मुझे बहुत खुशी है, लेकिन इससे यूपीएससी परीक्षा में सफलता दोगुनी होनी चाहिए, दिल्ली में मराठी का प्रतिशत बढ़ना चाहिए। ये बात राज्य के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने जिलाधिकारी कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ली जा रही मीटिंग में कही। कोरोना काल में प्रौद्योगिकी परीक्षा का पाठ्यक्रम बाधित न हो, इसके लिए महाराष्ट्र राज्य और उच्च और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विभिन्न संगठनों की भागीदारी के साथ करियर पहल शुरू की गई थी। आज इस पहल का 100वां दिन था। इस पहल में योगदान देने वाले कई संगठनों और व्यक्तियों ने आज के विशेष कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इसके साथ ही उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत इस समय विदर्भ के दौरे पर है। उनके साथ सांसद कृपाल तुमाने और विधायक आशीष जायसवाल भी थे। उदय सामंत ने सभी गणमान्य व्यक्तियों को धन्यवाद दिया जिन्होंने 100 दिनों तक अपना करियर कट्टा कार्यक्रम जारी रखने में मदद की। करियर कट्टा कार्यक्रम निरंतर जारी रखा जाएगा। महाराष्ट्र के बच्चों को यूपीएससी में और अधिक निखारने के लिए दिल्ली में एक यूपीएससी भवन की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के सभी सांसदों ने मदद का वादा किया है। उन्होंने पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्ञानेश्वर मूले के प्रयासों की भी सराहना की जिन्होंने इसमें नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने दिल्ली में यूपीएससी भवन की स्थापना की पहल की है। इस पहल में सांसद कृपाल तुमाने भी शामिल होंगे। जनभावना लोकांमध्ये एक असलेली चर्चा आहे। पॉलिटिकली कोणी काही बोलू शकतो, महत्त्वाचा मुद्दा आहे जर शिवसेना म्हणून आमच्या पक्षाला काही वाटत नसतं तर मी विदर्भामध्ये या सगळ्या ऍक्टिव्हिटी करण्यासाठी आलोच असतो। गडकरी साहेबांनी काम केलंय ते वाईट केलंय असं सांगण्याचा मला अधिकार नाही। त्यांनी देखील त्यांच्यापर्यंत काम केलं, आम्ही देखील आमच्यापर्यंत काम करतो, विरोधकांना सांगायला लागतो। आता मागच्या वेळी आम्ही जेव्हा सरकारमध्ये होतो आणि सांगली सातारा मिरजमध्ये पूर आला होता तेव्हा काही लोक रॅलींमध्ये व्यस्त होते, त्यावेळी आम्ही टीका केली का की ते आता पूर पाहायला आले नाहीत, ते रॅलींमध्ये आहेत। शेवटी प्रत्येकाची काम करण्याची पद्धती वेगवेगळी आहे। स्वतः मुख्यमंत्री महोदय अनेक वेळा म्हणजे ते पण जिल्हाधिकारी साहेब सांगतील किती वेळा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या संपर्कात असतील, किती वेळा विसीवरनं बोललेल्या असतील, जे जे काही प्रसंग घडतात त्याच्यानंतर। आता पण सीएम साहेबांचीच विषय होती ना साहेब, सीएम साहेबांची विषय होती। मला असं वाटतं की असं विदर्भाला आणि कुठच्या एका विशिष्ट समूहाला आपण दुर्लक्षित केलं अशातला भाग नाही। मुख्यमंत्री मोदी यांचं पूर्ण महाराष्ट्र